गोंडा जनपद पुलिस अधीक्षक गोंडा संतोष कुमार मिश्रा ने मिशन शक्ति अभियान के दृष्टिगत नारी स्वावलंबन सशक्तिकरण हेतु भारी पुलिस बल के साथ शहर क्षेत्र में पैदल गश्त किया, जिसमें इनकैन चौराहा, मिश्रोली चौराहा, बड़गांव चौकी व अन्य भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भारी पुलिस बल के साथ पैदल गश्त करते हुए पुलिस अधीक्षक ने बाजार में खरीदारी करने आई महिलाओं बालिकाओं से संवाद करते हुए महिला हेल्पलाइन 1091 10 98 10 96 10 76 व यूपी 112 के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि किसी प्रकार की विषम परिस्थितियों में फोन करने पर तत्काल पुलिस सहायता उपलब्ध होगी। पुलिस अधीक्षक ने भ्रमण के दौरान वरिष्ठ नागरिकों, रेहड़ी व ठेले वालों से किया संवाद तथा सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति की जानकारी भी ली। मिशन शक्ति महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारीगण, प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्ष, एंटी रियोमियो टीम, पिंक स्कूटी दस्ता व पुलिस कर्मियों द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में पैदल गश्त कर मिशन शक्ति अभियान को सशक्त बनाने हेतु महिलाओं से संवाद स्थापित कर सुरक्षा का एहसास कराया। यह अभियान अनवरत जारी रहेगा। इस अभियान का जनपद वासियों द्वारा काफी सराहना की जा रही है। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी सदर, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर, प्रभारी निरीक्षक महिला थाना व पुलिस परिवार के अन्य अधिकारी कर्मचारी गण उपस्थित रहे। है ना, जवाब देने के लिए है ना, शाबाश। वुमेन हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1090। और अगर कोई और कोई समस्या हो तो पुलिस का नंबर क्या है? 112 पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है भाई, काम कर दिया आप यहाँ पे? सिलाई का भी काम है, सिलाई का भी काम है। और ये लोग आप बेचते भी हैं, अपना ये बेचते हैं। और आप इनके बच्चे हैं? पढ़ाई स्कूल जाता है ये? और ये मीडिया को भेजते हैं स्कूल? तो अभी तो बड़ी हो गई, नाम लिखवाओ। ये भी बड़ा हो गया है, कोरोना काल में कट गया था, तो फिर दोबारा लिखवाइए। कोई दिक्कत है तो बताइएगा हम लोगों को। ठीक है, मदद आपकी। कहाँ इंस्पेक्टर साहब हमारे? ठीक है भाई, जरा डीआईओ साहब से बात करके, दोनों की शिक्षा, इनका नाम कट गया था कोरोना की वजह से, फीस नहीं दे पाए थे, बात करके क्या करवाइएगा। क्या नाम है आपका? रजनी देवी है। आपका नाम क्या है? गणेश, गणेशा। आपका नाम क्या बेटी? प्रतिज्ञा। तो गणेश जी के नाम पे प्रतिज्ञा लीजिए कि आप आगे से इनको स्कूल भेजेंगे। स्कूल तो खुल चुके हैं, तो आप लोग पढ़ाई करना शुरू करिए। कोई दिक्कत आएगी आप इनसे। ये किसका चौकी क्षेत्र है? तुम्हारा चौकी क्षेत्र है ना भाई, इनका देख लेना। इनका नाम कट गया था कोरोना की वजह से, फीस नहीं भर पाए थे। तो अपनी बातचीत करके संबंधित से आप इनकी पढ़ाई का वो करिए, ठीक है? क्योंकि आप मेहनत करके अपना ये अपना सिलाई भी कर रही हैं, बेच भी रही हैं, तो ये पूरा रहेगा। वैसे ये पुलिस जो है आपकी सुरक्षा के लिए ही है, लेकिन सुरक्षा से ज़्यादा अभी आपको शिक्षा की आवश्यकता मुझे लग रही है, वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, हेल्पलाइन नंबर मालूम है तुमको? अगर मान लीजिए कोई कोई मान लो मम्मी को तंग कर रहा है, तो कहाँ बताओगे? नहीं, इसीलिए मैं तो, हम लोग इसीलिए आए ना, बताने के लिए आए हैं। कहाँ पे बताओगे? कौन से नंबर है? मोबाइल चलाते हो ना, जैसे कौन से नंबर है बताओगे? पुलिस का नंबर कौन सा है? 112 पे कर सकते हैं, और 1090 नंबर 1090 है, उस पे भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, आपको हालचाल आपका पूछेंगे दोबारा।